मंडी में आने का मकसद मंडी को विजिट करना और यहाँ के जो खूबसूरत जानवर है वो आपको दिखाना। आ जाओ अली भाई। नहीं वो बात है, वो अंदर जा के सनसेट पीछे देख रहे। ये जी सामने एंट्री पॉइंट मोड़कुंडा मवेशी मंडी। ये मंडी की जीती जागती सूरत हाल। ये इधर बड़े जानवर क्या अनिल छतरा तक पहुँच रहे ठीक ठाक है। पीछे ही है ये सहूलत सेंटर। अरे लास्ट में मंडी इतने खत्म हो गई सी, जो पिछली दफा ब्लॉग बनाया सी मंडी इतने खत्म हो गई सी। लम्मी चौड़ी बन गई। तुसी बोले अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने मुतलका मंडी जो कि मोड़कुंडा में मरकज की गई है, थोड़ी शहर से बाहर है। तो बेसिकली मंडी विज़िट करने का मकसद यही है, व्लॉग बनाने का मकसद यही है कि यहाँ जो व्यापारी हज़रात हैं उनकी सूरत हाल ली जाए और जो हुकूमत की तरफ से यहाँ मंडी में जो सहूलियात दी गई हैं उनको देखा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो कुर्बानी है जो हमने परचेज़ करनी थी वो अलहमदिल्ला से कज़न लोगों ने ख़रीद ली और वो हमने अभी तक देखी भी नहीं, वो इंशाल्लाह ईद वाले दिन हम अपने व्लॉग में दिखाएँगे। तो अभी मंडी में आने का मकसद मंडी को विज़िट करना और यहाँ के जो खूबसूरत जानवर है वो आपको दिखाना। आ जाओ अली भाई। ये मंडी, चलें आपको मंडी के खूबसूरत नज़ारे करवाते हैं। ये जी इनको रंग किया गया है तरीके है, बड़े जानवर भी हैं। ये इस तरफ सारे बड़े जानवर हैं और इस तरफ छोटे जानवर प्लस बड़े जानवर। सोलो सेंटर कहाँ है वो है। ठीक हो, बेचने के लिए आए हैं। क्या कीमत है आप? ये मेरा स्टूडेंट भी है, ठीक है। मैं जरा क्लोज हो रहे टीचिंग भी करता हूँ, वहाँ पे इसने अच्छी क्रिकेट भी आज खेली है, ठीक है। और सेकंड टाइम जानवर बेचने के लिए। अच्छा फर्स्ट टाइम इस भाई ने छक्के मारे और आप मंडी में छक्का मारने के लिए आ गए। आप मंडी में छक्का दो लाख अस्सी हजार जिसने के
यहाँ से जो हमारा सिटी है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर अली भाई बन जाता है। तो जी ये मवेशी मंडी से तकरीबन 0.5 किलोमीटर दूर सिटी रह जाता है। पहले ये मंडी आगे शहर में इंटर होते ही मेन रोड पर ही लगती होती थी, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंद होता था। तो पिछले तकरीबन ये दूसरा साल है मंडी बाहर लग रही है। पहले अली भाई बता रहे हैं कि इससे पहले ये सामने एक राइस मिल है उसमें लगती होती थी, फिर ये गला मंडी नहीं बनी है तो मंडी को फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। हम विज़िट करने आए थे अपनी मतलका मवेशी मंडी। तो अली भाई क्या व्यूज़ देंगे? व्यूज़ ये थे कि जो मंडी के हवाले से रेट, जिसके पास एक जानवर है उसका ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा जानवर है उसका रेट कम है, ठीक है। बाकी ओवरऑल इंतजाम जो हैं वो भी बेहतरीन है, मतलब पिछले साल की नस्बत इस दफ़ा कुछ बेहतरीन। बुजुर्ग रात के लिए बैठने की जगह भी है, पानी भी पीने के लिए है, स्काय सेल भी है, जानवर में दवाइयाँ भी मौजूद है। बाकी आवाम की पसंद होती है कोई छोटा जानवर कोई बड़ा जानवर, ठीक हो गया। अच्छा, हम इस वक्त रोड साइड पर चल के जा रहे हैं, तो मंडी में कुछ जानवर जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जो व्यापारी हजरात हैं उनको लेकर मंडी में जा रहे हैं, और कुछ जो यहाँ से ख़रीद कर अपने अपने घरों में रिक्शों वगैरह में लोड करके हमारे पीछे भी आप देख रहे होंगे। तो इसी तरह आज का हमारा व्लॉग होता है मुकम्मल। मिलते हैं कि अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।